सो वेलकम एवरी वन वंस अगेन टू फूड एंड ट्रैवल। आज का जो डिश है बहुत यूनिक है। 24th of December है, आज क्रिसमस ईव है। सो क्रिसमस के लिए एक स्पेशल डिश बना रहा हूँ मैं, मटन लेग रोस्ट या मटन रान। ओके, सो आज का हमारा काम है बस इसको मैरिनेशन कैसे करना है, मैरिनेट कैसे करना है, वो इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। मैरिनेट करके हम 24 आवर्स के लिए रखेंगे और कुकिंग 25th December यानी कल करेंगे, क्रिसमस के दिन। इट्स ए स्पेशल डिश जो कल हम बना के सर्व करेंगे। ओके, सो ये देखिए मटन रान मैंने लिया हुआ है, 600 ग्राम्स है एंड ये कट्स जो है बोन तक है। ओके, डीप टू द बोन। ये आप अपने बुचर को बोल सकते हो, वो काट उस हिसाब से आपको कट करके दे देगा। यहाँ पे देखिए कर्ड है, फिर यहाँ पे हाफ लेमन, ये मेरे पास लहसुन, कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची है 3 एंड ये आप देख रहे हो पपीता है यहाँ पे छिलके के साथ थोड़ा सा, एंड ये जिंजर है। पपीता गाइस इसलिए है क्योंकि पपाया उसके अंदर एक एंजाइम होता है पापेन, एंड वो जो पापेन एंजाइम है वो मीट को टेंडर बनाता है, जो इसके टेंडन्स है या जो इसके प्रोटीन्स है अंदर में सब ब्रेक डाउन करता है, एंड जो मटन है वो जल्दी कुक होता है एंड सॉफ्ट हो जाता है। ओके, सो कुछ करना नहीं है, ये कर्ड और ये बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं सब इसमें डाल के ग्राइंड करता हूँ, उसके बाद से हम मैरिनेट करेंगे। तो मैं ग्राइंड करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सो देखिए ये मैंने ग्राइंड कर दिया, इसमें लाल मिर्च जो होता है कश्मीरी मिर्ची मैंने वो भी डाल दिया था, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये अपना हो गया है। एंड इसमें ये नमक है और ये गरम मसाला जो घर पे बनाया हुआ है ये हमने डाल दिया। अब इसको जो है हल्के हाथों से मसाज करना है इसको अच्छे से, ठीक है। और एक बार जब मसाज हो जाए तो इसको फ्रिज में हम 24 घंटे के लिए स्टोर करेंगे। ओके, सो मैं ये मसाज करता हूँ और आपको एक बार दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि हाउ इट लुक्स लाइक। सो देखिए ये मैंने अच्छे से मसाज करके मैरिनेट कर दिया, अभी 24 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगा इसको कवर करके एल्युमिनियम फॉइल से, या फिर आपके पास पेपर है तो पेपर से भी आप कर सकते हैं। सो ये अब हम मैरिनेट करके रखेंगे एंड कल ओवन में इसको कुक करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज 25th December है, क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू ऑल। 24 तारीख को हमने आफ्टरनून में ये मैरिनेट किया हुआ था मटन का जो लेग है, एंड दिस इज द रिजल्ट, कैन यू सी, बहुत ही टेंडर हो चुका है ये मटन। ओवन या OTG का जो स्पेसिफिकेशन है वो देख लेते हैं। 210 डिग्री सेल्सियस पे ग्रिल पे रखा हुआ है मैंने, 10 मिनट्स के लिए प्री हीट किया है। 10 मिनट्स के बाद जैसे ही प्री हीट हो जाता है उसके बाद से हम मटन जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे 1 घंटे के लिए, ठीक है। 10 मिनट्स का प्री हीट हो चुका है और ये हमारा जो मटन है तो मैंने इसमें डाल दिया है। ओके, और इसको जो है हम 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए हमने इसमें रखा है 210 डिग्री सेल्सियस पे ग्रिल पे, 1 आवर के बाद हम मिलते हैं। ओके, ये 1 आवर बेक होने के बाद ऐसा दिख रहा है, ये देखिए आप, इसको हाफ एन आवर और फिर से ढक के पकाएंगे। ओके, सेम टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस हाफ एन आवर के लिए। ओके, पूरा बोन लगभग छोड़ दिया है, एंड ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है आप इसको ग्रेवी के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हाफ एन आवर के लिए और डालते हैं हम ओवन में। सो गाइस, 2 आवर्स के बाद ये देखिए हमारा जो मटन रान है बनके एकदम रेडी हो चुका है। सो क्रिसमस है, रेसिपी देखिए, आप एंजॉय करिए वीकेंड को, ये बनाइए, वेरी डिलीशियस प्लस हेल्दी, ना ऑयल है ना कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। मैरी क्रिसमस आपको और आपके फैमिली को, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मैं एंजॉय करता हूँ।